बदरपुर गांव में अवैध ठेके खुलने पर जनता ने दिखाया आक्रोश। आपको बता दें कि यह ठेका बदरपुर के बीच गांव में है। इसके आसपास मंदिर एवं स्कूल है, जिसको लेकर के पूर्व निगम पार्षद तरवन कुमार ने आपत्ति जताई और पूर्व विधायक व मौजूदा सांसद पर रामवीर बिधूरी पर सवाल उठाए। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, बदरपुर वार्ड से पूर्व निगम पार्षद तरवन कुमार। मैं सभी वार्ड वासियों को वार्ड की जनता को मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, जो आज से 2.5-3 साल पहले बदरपुर वार्ड में एक अवैध ठेके का निर्माण किया गया, जिसके बारे में मैंने निगम के अधिकारियों को, मेयर को, कमिश्नर को, पीसी को सबको सूचित किया कि बदरपुर गांव में जो बदरपुर गांव के मुख्य द्वार पे ठेका खोला गया है, ये हर तरीके से अवैध है, क्योंकि ये बिल्डिंग 2016 में इसको नगर निगम द्वारा बुक करा गया था। बुक करने का मतलब होता है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन दिल्ली नगर निगम नहीं दे सकता। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मेरे मना करने पर हाउस में मैंने मुद्दा उठाया, वार्ड कमेटी में मैंने मुद्दा उठाया कि बदरपुर के मुख्य द्वार पर जो ठेका खुला गया है वो हर तरीके से गलत है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से मेरी बात को दबा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और मैंने वार्ड की जनता से, गांव के भाइयों से, बड़ों से, छोटों से मैंने वादा किया था कि आपका छोटा भाई तरवन कुमार राम सिंह नेताजी के आशीर्वाद से इस ठेके को बंद कराने के लिए पूरी जी जान कोशिश करेगा। और आज मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा इस ठेके को तोड़ने और सील करने के आदेश कर दिए गए हैं, जिसकी मैं कॉपी आपके सामने रख रहा हूं। ये तमाम वो नोटिस हैं जो कोर्ट के द्वारा इस बिल्डिंग को गिराने के लिए, इस ठेके को बुक करने के लिए, बंद करने के लिए कोर्ट द्वारा आदेश हुए हैं। यह ठेका हर तरीके से गलत है और मैं माननीय न्यायालय का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जो एक गलत तरीके से इस ठेके की स्थापना हमारे मुख्य द्वार बदरपुर गांव के द्वार पर करी गई, इसका इन्होंने विरोध किया और इसको बंद करने के आदेश दिए। इसी साथ में पूर्व विधायक और वर्तमान के सांसद विधूड़ी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, विधूड़ी साहब, दिखावे की राजनीति में हमेशा कहता हुआ आया हूँ, आप लोग दिखावे की राजनीति ज़्यादा करते हो, काम की राजनीति नहीं करते। जिस समय ये ठेका खुल रहा था, आप लोग कुछ महिलाओं को लेकर आए यहाँ पे, आपने तालियाँ बजवाई, चूड़ियाँ बजवाई, डांस किया और इस ठेके को बंद करने का आश्वासन दिया, लेकिन सांसद महोदय साहब, आपकी तरफ से इस ठेके को बंद करने का एक भी स्टेप नहीं करा गया, ना इस पर आपने कोई कदम उठाया। सिर्फ और सिर्फ बदरपुर वार्ड की जनता, बदरपुर गांव के लोगों के साथ राजनीति का खिलवाड़ करा, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ कि क्षेत्र के सांसद दिखावे की राजनीति करते हैं, सिर्फ दिखावे की राजनीति, झूठे नारियल फोड़ने की राजनीति करते हैं। और मैं फिर से अपने गाँव वासियों को, छोटे भाइयों, बड़े भाइयों, चाचा ताऊओं से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके भाई ने, आपके बच्चे ने जो आपसे वादा किया, आपका बच्चा, आपका भाई तरुण कुमार पे खड़ा उतरा। और मैं कहूँगा कि कुछ बातें हमारे पूर्व वार्ड अध्यक्ष वीरेंद्र प्रजापति भी कहें। नमस्कार साथियों, आज से 3 साल पहले इस ठेके की नींव रखी गई थी और जब ये ठेका रखा गया था उस समय बदरपुर के विधायक रामवीर सिंह बिधूरी थे और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस ठेके को बंद करवाना। बहुत सारे काम हुए, क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन करा, लोग इकट्ठे हुए, बहुत कुछ हुआ, लोगों ने आवाज उठाई, किसी ने बीच बस्ती में ठेका खुल गया, लेकिन बीच बस्ती में ठेका खुला, आसपास बच्चों के स्कूल बने हुए हैं, मंदिर है, पीछे बस्ती है, कॉलोनी है, सब ने आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने भी, सरकार के नुमाइंदा जो यहाँ बनकर बैठे हुए थे उस समय, रामवीर सिंह बिधूरी विधायक थे, उन्होंने इस ठेके को बंद करवाने का काम नहीं किया। और राम सिंह नेताजी ने यह प्रण लिया कि गाँव के अंदर ये ठेका खुल रहा है, ये ठेका नहीं खुलेगा किसी भी सूरत में, बीच बस्ती के अंदर ठेका नहीं हो सकता। और राम सिंह नेताजी ने उस समय प्रण लेकर के कि ठेका बंद करवाना है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को लेकर गए। भाई तरवन कुमार जी जो पूर्व निगम पार्षद हैं, इनके मामले, इनके नाम से मामला दर्ज हुआ दर्ज हुआ
और आज देखिए कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, लेकिन अब भी प्रशासन की नाकामी देखिए। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि 29 अगस्त 2024, 9 सितंबर 2024 और 10 सितंबर 2024 इन तीन दिनों को, ये तीन तारीख मैंने आपको बताई है, इन तीन तारीखों को डिमोलिशन होना था यहाँ पर, लेकिन क्षेत्र के SHO ने ये कहकर के मना कर दिया कि हमारे पास फोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन 26 सितंबर आने वाले 26 सितंबर की जो तारीख है, कोर्ट ने क्षेत्र के SHO को ये बिल्कुल कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आपको 26 सितंबर 2024 को इस ठेके का डिमोलिशन करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो अगली डेट कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को बुलाई है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि SHO साहब को कोर्ट आल्सो डायरेक्ट द कंसर्न SHO टू फाइल एन एफिडेविट बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एक्सप्लेनिंग एज टू व्हाई द पुलिस फोर्स वाज नॉट मेड अवेलेबल ऑन द अफोरसाइट डेट्स। मतलब कोर्ट को ये कहना, कोर्ट के सामने SHO को अपियर होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये ठेका बंद नहीं हुआ, क्यों इसको तोड़ फोड़ने काम नहीं हुआ। मैं पूरे क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ और माननीय हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक राम सिंह मेहता जी का बहुत तहे दिल से पूरे क्षेत्र की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर गए और आज कोर्ट ने क्षेत्र की जनता में हक में फैसला सुनाया है और इस कोर्ट के इस ठेके को तोड़ने के आज कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं। 26 सितंबर को इसका डिमोलिशन होना तय है, ये टूटेगा और अगर ये नहीं टूटता है तो क्षेत्र के SHO को कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 23 अक्टूबर को अपनी बात जवाब देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा और अपियर होना पड़ेगा। धन्यवाद।